स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की बात एक कंपनी के लोगों को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने जिला पंचायत की महिला सदस्य के साथ मारपीट कर दी। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। सिंगरौली जिले में एनसीएल निगाही परियोजना में ओबी हटाए जाने का काम कर रही कंडोई कंपनी के एचआर रंजीत झा और शिवेंद्र प्रताप के द्वारा महिला जिला पंचायत सदस्य के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि महिला युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के संबंध में बात करने कंडोई कंपनी गई थी, जो कि कंपनी प्रबंधन के रंजीत झा और शिवेंद्र प्रताप सिंह को नागवार लगी और उन्होंने महिला के साथ मारपीट कर दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री 70% स्थानीय युवा बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहते हैं, इसके बावजूद कंडोई कंपनी इन सबको ठेंगा दिखाती रहती है। एक महिला सदस्य है, वो वहाँ पे गई थी, उसके पति वहाँ काम करते हैं और उसका कहना है कि जब वहाँ गए तो वहाँ पर एक कंपनी का कर्मचारी है रंजीत ओझा जो एचआर का काम देखता है और दूसरा एक सुवेंद्र प्रताप सिंह जो प्राइवेट व्यक्ति था और उसके कहने पर उसके द्वारा उसके साथ झूमाझटकी की गई। उसकी रिपोर्ट पर से नवानगर थाने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसको विवेचना में लिया गया है और एसपी साहब के निर्देश पर थाना प्रभारी को बताया गया है कि इसमें जो तथ्य हों उसमें सही कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।